कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बिरयानी वाले की सफलता। जमशेदपुर नाम के गांव में रफीक अपना मटन का दुकान चलाता था। रफीक अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शबाना। शबाना घर के सारे काम किया करती थी। रफीक अपने माँ की बहुत देखभाल किया करता था। उसकी ये देखभाल देख शबाना उससे कहा करती थी, अरे रफीक, मेरी इतनी चिंता मत करो, अपने धंधे पर ध्यान दो। माँ, मैं धंधे पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, खुद का थोड़ा ख्याल रखा करो। हाँ बेटे, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। चलो माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। हाँ बेटा। ऐसा कहकर रफीक अपने दुकान पर चला जाता है। उसकी दुकान में हर रोज बहुत ग्राहक आया करते थे। उसका मटन ताज़ा होने के कारण जल्द ही खत्म हो जाया करता था। सारे गांव के लोग उससे ही मटन लिया करते थे, इसीलिए रफीक का धंधा अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन उसके दुकान पर एक होटल मालिक सुंदर सेठ आया और रफीक से, अरे रफीक, तुम्हारे यहाँ मटन बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सेठ, मेरे दुकान में मटन बहुत ताज़ा होता है, चाहे तो आप देख लीजिए। क्या तुम मेरे होटल पर रोज 10 किलो मटन भिजवा दोगे? हाँ सेठ बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगा। ये लो तुम्हारा एडवांस और बाकी के पैसे तुम्हें महीने के बाद में मिलेंगे। जी सेठ, मैं कल ही भिजवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। अब सुंदर सेठ जाने के बाद रफीक अपना काम करने में व्यस्त हो गया। अब अगले दिन रफीक सुबह 9 बजे ही सुंदर सेठ के होटल पर अपना 10 किलो मटन पहुँचा देता है और अपने काम करने चला जाता है। रफीक की दुकान पर उसका दोस्त राहुल आता है। अरे रफीक, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ आज भाई इधर? अरे रफीक, मुझे 1 किलो मटन दे दो जल्दी से। हाँ अभी देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल को रफीक मटन दे देता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। रफीक हर रोज सुंदर सेठ को 10 किलो मटन भिजवाता है। अब रफीक अपने पैसे लेने के लिए वहाँ जाता है, तभी, सुंदर सेठ, मेरा महीना पूरा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे जरूरत थी। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से मेरे होटल पे मटन मत देना। क्यों सेठ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुमसे ज्यादा मटन मुझे कम दाम में मिल रहा है, तो मैं उसी से मटन लूंगा, तुम आज से मटन मत देना। सेठ आपने बताया था, इसलिए आज भी मैं आपके लिए 10 किलो मटन लेकर आया हूँ, मगर मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। रफीक अपना मुंह लटकाकर वहां से मटन का थैला उठाकर चला जाता है और अपने दुकान जाता है। वह दुकान में जाकर दिन भर अपना काम करता है, मगर उसका वह 10 किलो मटन नहीं बेचा जाता। तब वह सोच में डूब जाता है। मैं इतने सारे मटन का क्या करूँ, इतना फेंक भी तो नहीं दे सकता। मैं काम करता हूँ, माँ को इस मटन की बिरयानी बनाने को बोलता हूँ और अनाथाश्रम के बच्चों में बांट देता हूँ। ऐसा मन में सोचकर रफीक वह मटन का थैला उठाकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ को बताता है। माँ, आज मेरे दुकान में बहुत सारा मटन बच गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी बिरयानी बना ले और अनाथाश्रम के बच्चों में जाकर बांटे। हाँ चलेगा बेटा, मैं बिरयानी बनाती हूँ और तुम हाथ मुँह धो लो। हाँ माँ। अब शबाना बिरयानी बनाने के लिए चली जाती है और रफीक तैयार होकर बाहर आ जाता है। तभी उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है। वह अपनी माँ से, माँ बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम जल्दी इसे पैक कर दो, मैं अनाथाश्रम देकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं अभी देती हूँ। ऐसा कहकर शबाना बड़े डिब्बे में बिरयानी डालकर रफीक के पास दे देती है। अब रफीक डिब्बा लेकर अनाथाश्रम चला जाता है और अनाथाश्रम के मैनेजर से मिलता है। मैंने ये बिरयानी बच्चों के लिए लाई थी, आप उन्हें दे देना। ठीक है रफीक, तुम बिरयानी यहाँ रख दो, मैं शिवा के हाथों इसे भिजवा दूंगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है मैनेजर साहब, आप जाओ, मैं बिरयानी बांटने में शिवा की मदद करता हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उनके अनाथाश्रम में एक बड़ा आदमी आता है। तभी मैनेजर उनसे, नमस्ते सिन्हा साहब, आइए ना। नमस्ते, चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा और मैनेजर एक रूम में चले जाते हैं। वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी उस समय रफीक शिवा के साथ बच्चों को बिरयानी बांटने लगता है। उस बिरयानी का सुगंध इतना अच्छा होता है कि सभी बिरयानी खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी मैनेजर से सिन्हा साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, मुझे देखना है। साहब, आज अनाथालय में रफीक ने बिरयानी लाई है, उसकी ही खुशबू है। चलो मैं बिरयानी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा साहब रफीक के पास चले जाते हैं और रफीक से, रफीक, क्या ये बिरयानी में थोड़ी चख सकता हूँ? लीजिए ना साहब, इसमें क्या पूछना है। वाह, इसकी टेस्ट तो बहुत ही अच्छी है, क्या तुम हमेशा ऐसी बिरयानी बनाते हो? मैं हमेशा नहीं बनाता साहब, आज मेरे दुकान में 10 किलो मटन बच गया था, तो मेरी माँ ने इसकी बिरयानी बना दी और मैं अनाथाश्रम लेके आ गया। तुम्हारे बिरयानी की टेस्ट बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे होटल में हर रोज ऐसी बिरयानी बनाकर दोगे? हाँ साहब,
मैं ऐसी ही बिरयानी बना कर दूंगा। ये लो मेरा कार्ड और पहले दिन का एडवांस लेकर जाना। धन्यवाद साहब, मैं कल आपके होटल में बिरयानी पहुँचा दूंगा। ऐसा कहकर रफीक अपने घर चला जाता है। तभी रफीक अपनी माँ से, माँ आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ है बेटा, बताओगे जरा? माँ एक बड़े होटल के मालिक ने मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी की ऑर्डर दी है और हर रोज उसे ये बिरयानी उसके होटल में चाहिए। मेरे लिए और एक मौका आया है माँ आगे बढ़ने का। हाँ बेटे, मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ इसमें मुझे तुम्हारी बहुत मदद लगेगी, मैं सीख लूंगा मगर तुम्हें मुझे सिखाना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और बनाकर भी दूंगी। ऐसा कहकर शबाना अपना काम करने चली जाती है। अब रफीक अगले दिन बिरयानी होटल में पहुंचा देता है। तभी होटल का मालिक उसे खुद एडवांस देकर उससे हर रोज बिरयानी देने के लिए उसे बोलता है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रफीक अपना दुकान संभालकर बिरयानी पहुंचाता है। अब रफीक कुछ दिनों में खुद की मेहनत से एक होटल खोल देता है और उसे अच्छी तरह से चलाता है। अब रफीक एक बड़ा आदमी बन गया है। उसको अब लोग उसके मटन के दुकान से नहीं बल्कि बिरयानी वाला रफीक के नाम से जाना करते थे। उसके हाथ की बिरयानी इतनी अच्छी थी कि लोग उसके ही हाथ की बिरयानी खाते थे। ये सब उसके एक नेक विचार से शुरू हुआ था, इसीलिए उसे इसमें सफलता मिली। बात थोड़ी पुरानी है। ठंड का मौसम था। गांव की चौपाल पर जल रहे अलाव को घेरकर बूढ़े बच्चे तथा युवक बैठे थे। गांव में कई वीर ऐसे भी होते हैं जिनसे भूत ने कभी ना कभी बीड़ी मांगी होती है। किसी ने चुड़ैल को गाड़ी पर लिफ्ट दिया है तो किसी ने भूत के साथ खेतों में पानी लगाया है। ऐसे युवाओं में खुद को सबसे साहसी साबित करने की होड़ चल रही थी। बहुत देर से उनकी बातों को सुन रहे एक वृद्ध जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी, वो इन युवाओं से बोल पड़े, बातों से तो हर कोई बहादुर बन सकता है, ऐसे किसी को कैसे हम साहसी मान ले। अगर तुम लोग ये साबित करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। जो अव्वल आएगा वही गाँव का सबसे बहादुर युवक माना जाएगा। बताओ क्या तुम तैयार हो? सभी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। पर परीक्षा क्या होगी? तो सुनो, आज शाम को जब मैं मवेशी चराने नदी के किनारे गया तो नदी के टेढ़वा घाट पर मैंने एक लाश देखी। शायद वो लाश कहीं से बहकर आई है और किनारे की झाड़ियों में अटक गई है। वो एक वृद्ध की लाश है। तुम में से जो इसी वक्त उस जगह पर जाकर लाश के बाएं हाथ में ये काला धागा बांधकर आएगा वही सबसे साहसी माना जाएगा। क्या तुम में से कोई ये कर सकता है? शर्त सुन वहाँ पर सन्नाटा छा गया। नदी जो वैसे भी बीहड़ और वीराने से होकर बहती है और उसमें से भी टेढ़वा घाट जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, वहाँ इस समय भला कौन जाना चाहेगा। ऊपर से उस जगह से संबंधित अनेक डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी जो लोगों में भय पैदा करती थी। गांव के लोगों का मानना था कि वहाँ आसपास के भूतों की मजलिस लगती थी। जो भी भूलकर उधर चला जाता था वो कभी भी नहीं लौट पाता था। कहा जाता था कि वहाँ पर रात में ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ती है। लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ भूत अपनी बारातें निकालते हैं। ऐसी भयावह जगह पर जाकर स्वयं को संकट में कौन डाले। पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अब तक जो वीर बन रहे थे वो बगले झांकने लगे। क्या तुम में से कोई भी बहादुर नहीं? अभी तक तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। क्या यही है तुम लोगों की वीरता? अब सबको क्या सांप सूंघ गया है? वृद्ध के इतना कुछ कहने के बाद भी उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई। चले थे बड़े योद्धा बनने डरपोक कही के। आपस में कानाफूसी चल रही थी लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ। अचानक बहुत देर से शांत बैठे एक 22 साल के नौजवान ने कहा, मैं जाऊंगा वहाँ पर। सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। मैं जाऊंगा वहाँ पर धागा बांधने। सोच समझ लो बेटा, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। उस युवक के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान भी नहीं था। ठीक है, ये लो काला धागा। और हाँ, याद रहे उस लाश के बाएं हाथ में ही बांधना है। और एक शर्त और है, तुम्हें गांव के बाहर से झाड़ियों भरे रास्ते से ही जाना होगा। वो भी मंजूर है बाबा। ठीक है, फिर जाओ। युवक तेजी से उठा, पास रखी लाठी उठाई और लाश की जगह की ओर चल पड़ा। रास्ते पर धुंध छाना शुरू हो गई थी। पेड़ों और धुंध की छाया से रास्ते पर दृश्यता कम हो गई थी। रास्ता बहुत ही सुनसान जिसमें सन्नाटे को भी भय प्रतीत हो। सच में वो जगह बहुत भयावह प्रतीत हो रही थी। सभी बाधाओं को पार करते हुए युवक वृद्ध के बताए हुए स्थान पर पहुंच गया। नदी एकदम शांत थी। युवक नदी के तट को टटोल कर लाश ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक से उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ी हुई लाश पर पड़ी। लाश किनारे पर आधे मुंह पड़ी थी। युवक को बाएं हाथ में धागा बांधना था जो नीचे दबा था। युवक लाश को पलट कर सीधा करने लगा।
तभी अचानक से लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। शीघ्र ही युवक ने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। युवक के आंखों के सामने लाश खड़ी हो गई। बाया हाथ दूसरा है बच्चा। पर युवक पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। देखिए आप शांति रखे, यही दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, वो भी एक मरे आदमी को। तुम अपनी खैर मनाओ बच्चा। अब देखिए आप जो भी है, मुझे केवल शर्त पूरी करनी है। मेरे काम में बाधा डाली तो तुम्हें एक बार फिर से मरना पड़ेगा। तुम भूत को ललकार रहे हो, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। आओ जोर आजमाइश हो जाए, क्योंकि मुझे तो शर्त हर हाल में पूरी करनी है। थोड़ी देर के लिए वहाँ निस्तब्धता छा गई। तुम बहुत वीर हो बच्चे, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो मुझे अपने हाथ में काला धागा बांधने दो। जरूर जरूर, तुम जैसे साहसी बच्चे को तो मैं भी सलाम करता हूँ। काम पूरा कर युवक गांव की ओर चल पड़ा। वहाँ चौपाल पर सभी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे वापस आया देख सभी उत्सुकता से भर गए थे। वह सीधे उस वृद्ध के पास पहुँचा और कहा, बाबा मैंने आपकी शर्त पूरी की है, आप चलकर स्वयं देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, हम सुबह चलकर देखेंगे, पर क्या तुम इसी हाथ में धागा बांधकर आए हो? सभी सशंकित नजरों से वृद्ध की ओर देखने लगे। दरअसल वहाँ कोई लाश नहीं थी, मैं स्वयं परीक्षा के लिए वहाँ जाकर लेट गया था, ताकि यह जांचा सके कि ये सच में बहादुर है या नहीं। इसलिए मैंने जानबूझकर लंबे रास्ते का चुनाव किया, जिससे दूसरे रास्ते से मैं वहाँ पहले पहुँच सकूँ। घर जाकर हो आने की बात जो मैंने यहाँ बताई थी वो झूठी थी, मैंने बस परीक्षा लेने के लिए ये कार्य किया था। सभी वृद्ध के बुद्धि और युवक के साहस की चर्चा करते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। लेकिन असली सवाल ये है कि वृद्ध और युवक दोनों में ज्यादा साहसी कौन था? सुंदरपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रमा था। उनको एक बेटा था जिसका नाम था साहिल। साहिल छोटा ही था, तभी उसकी माँ रमा बीमार होने के कारण उसे छोड़कर चली गई थी। अब घर में साहिल अकेला रहा करता था। उसका अकेलापन राघव को खाया करता था। तभी राघव की मौसी एक दिन उसके घर आती है और राघव से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। अरे मौसी, लेकिन मेरा साहिल अभी बहुत छोटा है। पता है मुझे, इसीलिए उसी के लिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। उसको माँ का प्यार मिल जाएगा और वो घर में अकेला भी नहीं रहेगा। ठीक है मौसी, आपने सोचा होगा तो ठीक ही होगा। ठीक है, मैं फिर लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। जी। मौसी राघव को एक अच्छी लड़की देखकर उससे शादी करवा देती है। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी राघव से शादी करने के बाद उसके घर में बहुत अच्छे से रहने लगी थी। उसने साहिल को अपने बेटे जैसा प्यार दिया था। उसको कभी अपने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब दोनों घर में बहुत अच्छे तरह से रहने लगे थे। ये सब देख राघव भी बहुत खुश था। वह अब अपने काम में ज्यादा मन लगाकर काम किया करता था और बहुत तरक्की कर रहा था। अब शादी के 2 साल बाद लक्ष्मी को एक बेटी हुई। उसके आते ही घर में जैसे खुशियाँ छा गई थी। अब राघव भी बहुत खुश रहने लगा था। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी की लड़की सुहानी अब स्कूल में जाया करती थी। साहिल और सुहानी एक दूसरे के साथ स्कूल जाया करते थे। साहिल उसको अपनी बहन की तरह मानकर उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। ये सब देख लक्ष्मी भी बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन लक्ष्मी अपने पति राघव से कहती है, हमारा घर अब कैसे भरा भरा लग रहा है ना? हाँ लक्ष्मी, सच कह रही हो, हमारे घर में ये खुशी सब तुम्हारे वजह से ही मिली है। हाँ ठीक है, चलो बातें ही करते रहे तो खाना ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर में जाकर खाना परोसती है और सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सुहानी पिताजी से, पिताजी मुझे स्कूल में जाने के लिए साइकिल चाहिए। अरे बिटिया, अभी तो हमने तुम्हारे भैया को भी साइकिल नहीं दी और तुम इतनी जल्दी मांग रही हो। हाँ मुझे साइकिल सीखनी है, इसीलिए मुझे साइकिल चाहिए। अरे सुहानी बेटी, मेरी बात सुनो, हम ऐसा करते हैं, भैया को बड़ी साइकिल लेके देते हैं, वो तुम्हें भी स्कूल लेकर जाया करेगा। हाँ ये ठीक है, मैं भैया के साथ स्कूल में जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे भैया को साइकिल लेकर देता हूँ और दिवाली तक तुम्हें भी नई साइकिल खरीद कर दूंगा। हाँ पिताजी चलेगा। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही राघव अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता है। अब एक दिन राघव घर में ही था, तभी उसे दिल का दौरा पड़ने के कारण राघव को लक्ष्मी अस्पताल लेकर चली जाती है। अस्पताल में जाकर डॉक्टर राघव का इलाज करवाते हैं। तभी लक्ष्मी डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये ठीक होंगे या नहीं, अब कुछ बोल नहीं रहे हो। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। आप ऑपरेशन करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। जी
ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी राघव को दूसरा मेजर हार्ट अटैक आकर उसके अस्पताल में ही मौत हो जाती है। ये सब बात जब लक्ष्मी को पता चलती है तो वह चक्कर आकर वही गिर जाती है। अब थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी घर की सब बागडोर संभाल लेती है। वह अपने बेटे और बेटी को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती है। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब साहिल और सुहानी बड़े हो गए थे। साहिल को एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गई थी और इधर सुहानी की पढ़ाई पूरी होने की वजह से उसकी माँ ने सुहानी के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दी थी। अब उस घर में साहिल और उसकी माँ ही रहा करते थे। तभी, बेटा मैं दिन भर घर में अकेली होती हूँ, मेरे साथ गप्पे लड़ाने के लिए और इस घर को संभालने के लिए एक अच्छी बहू लेकर आओ। क्या माँ, कौन सी बातें लेकर बैठी हो? आप ही ढूंढो, आपको जो पसंद आएगी मैं उससे शादी कर लूंगा। हाँ ठीक है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूंगी। माँ तुम्हें जो करना है वो करो, मगर मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ जाओ और जल्दी घर वापस आना। हाँ माँ। अब साहिल ऑफिस में जाकर अपना काम करता है और लक्ष्मी उसको बहू ढूंढने के लिए बहुत सी लड़कियों की फोटो मंगवा लेती है। अब उसमें से एक लड़की लक्ष्मी को बहुत पसंद आती है। लक्ष्मी वह फोटो टेबल पर रखकर अपना काम करने चली जाती है। तभी शाम के समय साहिल घर पर आता है और टेबल पर लड़की की फोटो देख अपनी माँ से, माँ ये किसकी फोटो है? बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है, उसकी फोटो है ये। क्या माँ आप भी, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अच्छा ठीक है, फिर इस लड़की को देखने रविवार को चले जाते हैं। ऐसा कहकर साहिल वहां से चला जाता है। अब लक्ष्मी लड़की के माता पिता को फोन करके उनसे इस रविवार को वह मिलने आएंगे ऐसा बता देती है। अब लक्ष्मी और साहिल लड़की देखने चले जाते हैं। लड़की को देख साहिल बहुत खुश हो जाता है, उसे लड़की बहुत पसंद आती है। उस लड़की का नाम था चित्रा। सभी को चित्रा बहुत पसंद आती है। कुछ महीनों में ही साहिल और चित्रा की शादी हो जाती है। साहिल और चित्रा अब खुशी खुशी रहते हैं। तभी उसकी सास लक्ष्मी, अरे बहू चाय तो ले आना जरा। हाँ माँ जी आई। तभी चित्रा चाय लेकर वहाँ आती है और लक्ष्मी को चाय देकर चली जाती है। अब चित्रा और लक्ष्मी का दिन भर का समय बहुत अच्छी तरह से बीतता है। कुछ दिनों बाद चित्रा माँ बनने वाली थी, सारे घर में खुशियाँ छा गई थी। अब साहिल भी बहुत खुश रहा करता था। कुछ दिनों बाद चित्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। लक्ष्मी उसके पोते की देखभाल किया करती थी, उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये सब देखती थी, उसकी जान बसती थी चित्रा के बेटे समीर में। जैसे समीर थोड़ा बड़ा हुआ तो समीर बहुत ही शरारत करने लगा था, वह किसी की कोई बात नहीं सुना करता था, मगर लक्ष्मी उसका पूरा ध्यान रखा करती थी। ये सब देखकर चित्रा बहुत जला करती थी। एक दिन चित्रा की दोस्त शीतल उसके घर पर आई थी। अरे चित्रा, ये तुम्हारी सास कुछ ज्यादा नहीं करती क्या? हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, वो समीर को कुछ ज्यादा ही अपने पास रखती है। चित्रा ये तुम्हारी सगी सास थोड़ी ना है, क्या तुम जिंदगी भर इसका ही करती रहोगी क्या? ये बेटा तुम्हारा है समझी? हाँ तुम सही कह रही हो, चलो तुम मेरे साथ। अब देखो, चित्रा उसे लेकर घर में चली जाती है और माँ जी से, माँ जी मेरी सहेली आई है, आप कुछ खाने के लिए लेकर आएगी क्या? लक्ष्मी को चित्रा की ये बात सुनकर एक आश्चर्य का धक्का लगा, मगर शीतल के सामने होने के कारण लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर जाकर उन दोनों के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई। अब लक्ष्मी को चित्रा का बदला हुआ रवैया पता चल रहा था, मगर उसे पता नहीं चल रहा था कि चित्रा ऐसा क्यों कर रही है। इसके बावजूद भी लक्ष्मी घर के सारे काम करके अपने पोती की देखभाल किया करती थी, मगर ये सब देख चित्रा के मन में बहुत अलग अलग ख्याल आते हैं। वह मन में ही सोचती है, इस बुढ़िया को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी चित्रा नहीं। अपने विचार साहिल को बताती है। तभी साहिल उससे, चित्रा तुम ऐसी बकवास मत करो, अगली बार मेरी माँ के बारे में बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम सिर्फ मुझे ही बोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ ही अच्छी लगती है। अरे ऐसा नहीं है चित्रा, मगर माँ ऐसी नहीं है। तुम्हें पता है क्या, तुम दिन भर घर में थोड़ी ना रहते हो, मुझे सब सहना पड़ता है। अब मुझे सोने दो, बाकी की बातें कल करेंगे। साहिल अब सो जाता है, मगर चित्रा हर रोज साहिल के कानों में उसकी माँ के खिलाफ कुछ न कुछ बातें डालती है। अब साहिल भी चित्रा की बातों में आता है। तभी, मैं सोच रही हूँ कि तुम माँ जी को अनाथ आश्रम छोड़कर आओ। हाँ तुम सही कह रही हो चित्रा, ये हर रोज की बातें अब मुझे बहुत परेशान कर रही है, ये सही फैसला होगा। हाँ मैं यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर चित्रा वहाँ से चली जाती है। माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे और चित्रा के बीच बहुत नोकझोंक हो रही है, मुझे लगता है तुम्हें आश्रम में जाना चाहिए। हाँ माँ जी, हम आपको हर महीने मिलने आया करेंगे, आप चिंता मत करो। ये बात सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आती है और वह अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ चित्रा के मन में लड्डू फूट रहे थे,
तभी साहिल चित्रा से, चित्रा मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। कुछ अजीब नहीं है, यही सही है, इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा। इधर लक्ष्मी अपने कमरे में आकर रोती हुई सो जाती है, तभी उसके सपने में राघव आता है। लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे को हमेशा सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया और मेरे बेटे ने ही तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर दी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर लक्ष्मी की नींद खुल जाती है। तभी वह आजू बाजू में देखती है तो कोई उसे दिखाई नहीं देता, और उसी समय चित्रा को एक सपना आता है। सपने में, सासू माँ आप मेरे घर से निकल जाओ। नहीं माँ, तुम दादी को इस घर से नहीं निकाल सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा समीर मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं। ऐसा कहकर चित्रा चिल्लाते हुए नींद से उठ जाती है। ये सपना देख उसकी आंखें पानी से भर जाती है। चित्रा को उसकी गलती का एहसास होता है। तभी चित्रा लक्ष्मी से, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे चित्रा ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए। माँ जी मैंने साहिल के मन में आपके प्रति बहुत बुरी बातें डाल दी, उसके मन में सोतेलेपन की भावना डाल दी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर चित्रा जोर जोर से रोने लगती है और लक्ष्मी के गले लगती है। अब ये सब देख साहिल उसके पास आता है। साहिल मेरे कहने पर तुम माँ जी को आश्रम भेज रहे थे ना, आज मेरे कहने पर माँ जी को हमारे घर में रहने दो। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलत फहमी हो गई है, मगर तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैं चुप हो गया था। मेरे बच्चों तुम हमेशा खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। माँ मैंने कल तुमसे जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, और माँ तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। बेटे मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, मगर मैंने कभी तुम्हें अपने बेटे से कम नहीं समझा, और तुमने भी कभी मुझे ऐसे लगने नहीं दिया। आज के बाद हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ माँ। ऐसा कहकर साहिल, उसकी माँ, चित्रा और समीर सब एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा कर्म करो वैसा ही फल मिलता है, इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।